Loved ones in making India
Canada an independent country. The true meaning of independence is doing something for the betterment of the country. It is the home that God has given us. We are enrolled by its diversity in language, clothing, region, and religion. Some anti-national forces are using corruption and terrorism as the tools to retard our economic development and prosperity of the country. It is our duty to fight against all evil existing in the society. The future of any country depends upon its students, and they are the real treasure of it. We students must follow the path of great leaders of all countries and ages. As years pass by, the importance of independence should not fade away, rather it should mean more to us. To remember the responsibilities of rediscovering our country, to protect the privilege of living freely which is bestowed on us, to achieve more degrees of freedom by overcoming our weakness. Dear friends, love our country and its diversities. Nation owes much from us. The future generations, with the name of Martis on our lips and their faiths in our heart, let us redeem our pledge to unity and integrity of the nation. Happy Independence Day to all of you. Long live India. शहीद होने वाले, मर मिटने वाले हमारे जवान और हमारे अफसर
इस पर अपनी जान फूंक कर जाते हैं। सभी को नमस्कार। मंच पर उपस्थित सज्जनों, अध्यापकों और मेरे दोस्तों, आप सबको देश के 73वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता प्राप्त करवाने में जिन महान नेताओं ने अपने जीवन त्याग किए थे, उन लोगों को मैं इस अवसर पर नमन करती हूँ। साथ ही साथ उन साधारणजनक लोगों को भी मैं इस अवसर पर याद करती हूँ जिन्होंने अपने नाम इस देश के नाम लिख दिया था। अगर हम गौर से देखें तो स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक हमारे भारत देश ने शिक्षा, विज्ञान जैसे कई क्षेत्रों में उन्नति की है। अगर हम विज्ञान के बारे में बात करें तो आज हम चंद्रयान द्वारा चांद पर खोज करने जा रहे हैं। अगर हम शिक्षा की बात करें तो देश विदेश से बच्चे हमारे यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आ रहे हैं। गरीब से लेकर अमीर तक को देश में शिक्षा प्राप्त हो रही है। ये हमारे भारत देश द्वारा हुई उन्नति की एक छोटी सी झलक है। भारत देश विविधताओं से भरा हुआ एक देश है। हम सब लोग एक दूसरे से धर्म, जाति के मामलों में बहुत अलग है, लेकिन कभी सोचा है कि यही अनेकता हमें एकता के डोर में बांधे रखती है। इसीलिए तो हम सामाजिक प्रॉब्लम से जैसे कि भ्रष्टाचार, उन सब से सामना कर पा रहे हैं। इसीलिए हमें स्वतंत्रता दिवस पर ये प्रण लेना चाहिए कि हम भ्रष्टाचार, इन सभी समस्याओं से डट कर लड़ेंगे। अपने मन में भाईचारे का भाव रखकर सब एक साथ आगे बढ़ेंगे। इसी सोच के साथ मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।
Okay.